1831 रुपया 77 का, ये देखिए ये एस्टीमेट है, ये एस्टीमेट है 4877 रुपया का। इसके पहले कुमावत ने साफ शब्दों में स्पष्ट रूप से लिख दिया था, कमावत उदय सिंह कमावत ने की फाइल पर लिख दिया था कि इस एस्टीमेट के तहत ही कार्य की शुरुआत की जाएगी, जिसमें एक बड़ी कंपनी को देने की जो बात आई थी उसको भी उन्होंने रोका था। जब वर्तमान स्वास्थ्य सचिव आए तो उसके ऑर्डर को निरस्त करते हुए उसने लिखा है, ऑर्डर है, पूरी फाइल है कि माननीय मुख्यमंत्री के प्रत्याशा में आदेश के अनुसार 5,540 करोड़ का एस्टीमेट बना करके BMSICL द्वारा PMCH पटना 20 सितंबर 2019 को NIT नंबर 32/2019 से टेंडर निकाला गया, पर प्राकृत राशि 4,831.77 करोड़ रुपया। डेढ़ साल बाद मुख्यमंत्री नीतीश कार का बजट 5,540 करोड़ बताकर विज्ञापन के साथ PMCH का उद्घाटन किया गया। किन परिस्थितियों में इस टेंडर में 17.23% की बढ़ोतरी हुई, इसमें सीधा 706.23 करोड़ रुपया अनियमितता बरती गई है। इसमें इस पूरे प्रकरण में पूर्व सौभाग्य प्रधान सचिव उदय कमावत ने असहमति जता चुकी है, जिसका ट्रांसफर कर दिया गया। इससे पहले BMSICL के द्वारा कई बार एस्टीमेट घोटाले की बात AG ऑफिस बिहार ने राज्य सरकार से आगाह किया था। AG बिहार के अनुसार 20/8/2014 को 183.81 लाख से 320.503 लाख अनाधिकृत भुगतान ठेकेदारों को किया गया था। एक बार फिर बोल दीजिए, अनाधिकृत 320.503 लाख अनाधिकृत भुगतान ठेकेदारों को किया गया था। DPM ऑफिस MO रेसिडेंशियल एंड नर्सिंग क्वार्टर बनाने आदि के मामले में ये AG ने कह चुका है गलत भुगतान है। मास्क, सैनिटाइजर, क्वारंटाइन, कोविड जांच, फिर खरीदारी, इलाजों के खर्चे, दवाई खरीदारी, PPE किट आदि खरीदारे में अरबों के घोटाले कैसे हुए हैं, ये तो आपको किस तरीके से कमावत के आदेश को पलटते हुए और AG ऑफिस, जबकि पहले भी इन घोटाले में इतने नर्सिंग क्वार्टर और MO रेसिडेंस में 330 से 500 के लगभग करोड़ रुपया का घोटाले हैं, और फिर 700 साढ़े 700 का करोड़ का एस्टीमेट बना करके आम आदमी पर बोझ डालने का प्रयास वर्तमान सचिव ने किया है, और ये इसके प्रूफ्ड है, टेंडर के पूरी फाइल है। दूसरी तरफ आपको आश्चर्य होगा, लगातार सभी जगहों पर, सभी समुदाय केंद्र में ANM लगभग क्वारंटाइन सेंटर में जितने पैसे दिए गए लगभग उसकी जांच की मांग, 10-10 हजार रुपया कोरोना वायरस के समय पंचायत को दिया गया। ANM का मेरे पास कंप्लीट रूप से ऑडियो है, जिन्होंने यह कहा है कि BHSNS ANM अध्यक्ष संजू बैग खाता में गया 5,000 रुपया दो बार, यानी 10,000। 17 पंचायत, सभी पंचायतों से संबंधित लगभग जो भी ब्लॉक हैं, टोटल 2020 में 5,000 रुपया तथा 2020 में पहला माह 5,000 रुपया, जो भी 10,000 रुपया पंचायत को मिला ANM के खाते से वहां के पदाधिकारी ने निकाल के किस तरीके से कमावत के आदेश को पलटते हुए और AG ऑफिस, जबकि पहले भी इन घोटाले में इतने नर्सिंग क्वार्टर और MO रेसिडेंस में 330 से 500 के लगभग करोड़ रुपया के घोटाले हैं, और फिर 700 साढ़े 700 का करोड़ का एस्टीमेट बना करके
आम आदमी पर बोझ डालने का प्रयास वर्तमान सचिव ने किया है और ये इसके प्रूफ्ड है, टेंडर के पूरी फाइल है। दूसरी तरफ आपको आश्चर्य होगा, लगातार सभी जगहों पर, सभी समुदाय केंद्र में ANM लगभग क्वारंटाइन सेंटर में जितने पैसे दिए गए, लगभग उसकी जांच की मांग 10,000 रुपया कोरोना वायरस के समय पंचायत को दिया गया। ANM का मेरे पास कंप्लीट रूप से ऑडियो है, जिन्होंने यह कहा है कि BHSNS ANM अध्यक्ष संजुक बेट खाता में गया 5,000 रुपया दो बार, यानी 10,000। 17 पंचायत, सभी पंचायतों से संबंधित लगभग जो भी ब्लॉक है, टोटल 2020 में 5,000 रुपया तथा 2020 में पहला माह 5,000 रुपया, जो भी 10,000 रुपया पंचायत को मिला ANM के खाते से वहां के पदाधिकारी ने निकाल के खुद स्वीकार करता है। और उसी पर रोक थाप दिया गया कि टीकाकरण के दिवस पर आपने यह नहीं किया। आशा किट्स 179,2200 भंडार पर जिसका वितरण नहीं करवाया गया, ये खुद कलेक्टर कह रहा है, उसमें पूरा का पूरा उपस्वास्थ्य केंद्र टीकाकरण में भ्रमण नहीं करते हैं, जिसके चलते पूरा का पूरा कलेक्टर कह रहा है कि इसमें अनियमितता की गई। किट्स 179 प्राप्त है जिसका वितरण आज तक नहीं किया गया, वो किट्स कहां गया इसकी कोई जानकारी नहीं। 13 दिन के अंदर भी जानकारी मांगी फिर भी नहीं दी गई, जबकि वीडियो बनाना, एडिट, फेसबुक एवं व्हाट्सएप अपलोड करना अस्पताल में नियमता कहा गया था कोरोना का, वो भी नहीं किया गया, आज तक किसी पर नहीं है। इस तरीके से आपको आश्चर्य होगा कि किस तरीके से हर ब्लॉक में क्वारंटाइन सेंटर का पैसा, नीतीश बाबू आप उसी से जांच करवा रहे हैं जो पैसे में इन्वॉल्व है। आप एक तरफ कहते हैं कि नाम है, टेलीफोन नंबर नहीं है, तो नाम के लिए आप लगातार आप प्रेशर बनवा रहे हैं कि तुम स्वीकार करो नाम है लेकिन टेलीफोन नंबर नहीं है। और जांच कौन कर रहा है? हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से क्वारंटाइन के समय, कोरोना वायरस के समय जो भी पैसे दिए गए और गलत तरीके से, जो हम लगातार बोलते रहे हैं कोरोना के समय से ही, जब मैं सड़कों पर था, कि एक भी क्वारंटाइन नहीं चल रहा है, पंचायत में पैसा गमन हो चुके हैं और कोई टीकाकरण और किसी तरह की जांच नहीं हुई है, ये कंप्लीट घोटाला है। इसका साबित करता है ये गया जिले का स्वास्थ्य समिति कलेक्टर का सारी रिपोर्ट टोटल, और जो रंजीत कुमार ने BMC इमामगंज के BCM CHS इमामगंज है, उन्होंने इसको उजागर किया है घोटाला का, उसको बर्खास्त करने की कोशिश की है रंजीत कुमार। ये दो डिमांड, ये जो दो स्थिति है, कोरोना वायरस की जांच, अस्पताल घोटाला, और उसके पहले AG के द्वारा 350 करोड़ रुपए का घोटाला जो AG ने इसको उद्धित किया है, अनधिकृत DPM ऑफिस, MO रेसिडेंस और नर्सिस क्वार्टर में इतने घोटाले हुए, और अब फिर PMCH बनाने के लिए 750 करोड़ का अनियमितता। तो इसको पहले हम AG को भी चिट्ठी लिखने जा रहे हैं कि आप इसको अप्रूव ना करें। लोगों को रुपेश हत्याकांड में पूछताछ के लिए बुलाया गया, पटना के बहुत बड़े बड़े ठेकेदार, बहुत बड़े बड़े लोगों को, किन परिस्थितियों में उन ठेकेदारों को B सिंह, C सिंह, D सिंह, अब कौन है B सिंह उसका भी एक दिन उजागर करेंगे, C सिंह, किन लोगों का इन्वॉल्व है अभी तक मोटिव नहीं बताया गया कि मारने के पीछे क्या कारण है,
इसीलिए हम डिमांड करते हैं कि यह एक सप्ताह के अंदर आप मोटिव को बताएं और जितने लोगों को थाने में लाए गए उनको सामने ला करके आप बताएं कि उनके क्या पूछा गया और उनको क्यों लाया गया और फिर उनको क्यों छोड़ दिया गया। बस बापू जी कहते हैं कितना किसान मरा, हमको आज तक जानकारी नहीं। नीतीश बाबू कहते हैं कि हमारे मंत्रिमंडल में कितना अपराधी, हमको जानकारी नहीं, पत्रकार बता दे। और स्वास्थ्य सचिव जिन पर घोटाले का आरोप है उसी विभाग पर आरोप है, वही विभाग जांच करेंगे। मुद्दे भी हम, मुदाले भी हम, चित भी मेरी पट भी मेरी, बड़ों के बाप कनियों के बाप। ये जांच का मजाक नहीं है जबकि आरोप उन्हीं पर है। उदय कमावत के ऑर्डर को क्यों पलटा गया, उन्हीं पर है। लगातार कोरोना वायरस के बीच में क्वारंटाइन का सारा पैसा घोटाले हो गए, उन्हीं पर है। 10,000 पंचायत में दिए गए फिर एएनएम के द्वारा निकाल लिया गया, उन्हीं पर है। तो आप किसी हाईकोर्ट के न्यायाधीश से करेंगे ना, ये बड़ा घोटाला है। खस्सी के माय कब तक खैर मनी है, क्या बकरे की अम्मा कब तक खैर मनी है, कब तक बचाएंगे ऐसे लोगों को।